हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरी बात हो रही है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के साथ जो लगातार अब यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तैयारी कैसे करें, और इसके लिए लेकर आया हूँ मैं फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट के हेल्प से आप समझ पाओगे कि इंटीग्रेशन की तैयारी आप लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप बेस बनाओगे NCERT को, उसके अलावा सैम्पल पेपर्स को, और स्कूल या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर दिए गए नोट्स को। इसके अलावा यहाँ पर इंडेफिनेट डेफिनेट की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस प्लेलिस्ट पर। उन सारे क्वेश्चंस को भी और पुराने लाइव सेशंस को भी ज़रूर करिएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, सबसे पहले पूरा ध्यान जो है वो आप इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस पर दोगे। अब ये इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो हमारी NCERT की पहली 3 एक्सरसाइज में आपको दिख जाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिख कर दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं होल क्यूब ओपन कर लूंगा और डायरेक्ट इंटीग्रेशंस कर लूंगा। या फिर अगर मैं त्रिकोण में बात करता हूँ, तो मुझे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, या मुझे sin 7x (sin x dx) इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको मालूम है इसमें sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, और यहाँ पर प्रोडक्ट से लेके सम अप्लाई करते हुए, प्रोडक्ट टू सम अप्लाई करते हुए आंसर पे पहुँच जाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल में e^(ax), या फिर a^(x + a^-x)² इस तरह के क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। साथ ही साथ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के ग्रुप्स दिए हुए हैं, उन टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मटेरियल सेंड करते रहते हैं। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को करने के, और ये वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डेफिनेट के अंदर भी हेल्प करेगा। इनडेफिनेट पूरे का पूरा आपको डेफिनेट में हेल्प करेगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को आप बहुत स्ट्रांगली करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे dx/√x, जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √tan(x)/sin(x)/cos(x), इस तरह के क्वेश्चंस। और आप जानते होंगे कि ये, चलो यार अब एक एक्सपोनेंशियल वाला भी बता दो, तो ये लो इस तरह के क्वेश्चन (ex+e^(-x)/(ex-e^(-x)). मैंने तो यहाँ सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ इन क्वेश्चंस को करने का बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो आप वो मटेरियल जो है हमसे भी ले सकते हो, जो हमारी बुक है सैम्पल पेपर्स की, वो लगभग पूरा इंडिया कर रहा है। और इसके अलावा भी आप टेलीग्राम ग्रुप से बहुत फायदा उठा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, मेरे बच्चों ध्यान से समझना जरा, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन, अब आएगा स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में जो टाइप्स है, एक तो डायरेक्टली पहले फॉर्मूले याद कर ले, और फॉर्मूले याद करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँ तो इस तरह के क्वेश्चन (3x+4)/(x²-7x+11), या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इस तरह के क्वेश्चन, या लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक इस तरह के क्वेश्चन करना पड़ेगा। या फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं बोलूँ तो a sin²(x+-b cos²)/(x) इस तरह के क्वेश्चन, √tan(x) बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्दी जल्दी लिखूं तो (x²-1)/(x⁴+1) इस तरह के क्वेश्चन। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट जो दी हुई है उसको रेफरेंस लें और एक एक क्वेश्चन कर डालें। मतलब वो सारी चीजें आपके पास हर पर अवेलेबल हैं, उसका फायदा उठाइए। स्पेशल इंटीग्रल्स करने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ स्पेशल इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ 2 चॉइस हमने दी हुई हैं। यहाँ तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लें और उसके बाद आप बाईपास कर लें, या आप पहले बाईपास कर लें और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस कर लें। इनके टाइप्स हैं, याद रखिए। जब आप CBSE वाला एग्जाम दे देंगे, उसके बाद कुछ
एक्स्ट्रा टाइप CUET और JEE के लिए जरूर कर लीजिएगा, और फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको करना जरूरी है NCERT का, और इस तरह से आप पूरे का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद स्पेशल इंटीग्रल्स, और यहां आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, पहले पार्शियल करते हुए बाय पार्ट्स या फिर बाय पार्ट्स करते हुए पार्शियल फ्रैक्शंस, और अल्टीमेटली रैंडम क्वेश्चंस करते हुए फिर आप स्टॉप करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो था एक क्विक प्रीव्यू कह सकता हूं, जिसको एक तरीका जिसके थ्रू आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस किस तरह की चीजों की जरूरत आपको है आप मुझे जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उन चीजों का समाधान आपके पास लेकर आए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।